आज हम लोग बात करने वाले सेंटिनियल कॉलेज के बारे में। सेंटिनियल कॉलेज के बारे में एक फन फैक्ट, ये जो था वो ओंटारियो का फर्स्ट कम्युनिटी कॉलेज था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जब हम एक कॉलेज ढूंढते हैं, प्रोग्राम ढूंढते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसमें प्लस पॉइंट क्या है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा यूनिक क्या है। तो सेंटिनियल अपने वेबसाइट पे क्लेम करता है कि भैया वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, शॉर्टर ड्यूरेशन है और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड है। ठीक है, तो ये सब फीचर्स तो भैया हमारे लिए सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा, आपका होगा लास्ट डिसीजन कि आपके लिए कॉलेज सही है या नहीं। तो हियर इज अनदर ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू, जहां पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेंटिनियल कॉलेज और फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि इज दिस कॉलेज गुड फॉर यू और नॉट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस रेट। अगेन मैं हर वीडियो में बहुत एम्फसाइज करता हूँ कि एक्सेप्टेंस रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज आपको ये पता लगेगा कि अगर आपने एप्लीकेशन डाला और आप इसके लिए वेट करें फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको एक बैकअप रखना चाहिए या नहीं। तो इस कॉलेज का एक्सेप्टेंस रेट है 67%। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाई है, 67% इज अ प्रीटी गुड नंबर, इज अ डिसेंट नंबर। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल के बैकअप ना भी रखोगे तो चल सकता है। अब आता है अगला, एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस मतलब जब आप अपना एप्लीकेशन डालते हो, प्रोग्राम चूज करते हो, उसमें आपको कितना पैसा लगता है। तो इस कॉलेज के लिए दैट इज $110। बट इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप टोटल 5 प्रोग्राम्स में एक ही एप्लीकेशन फीस से अप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज अ गुड प्लस पॉइंट। अब आते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट के क्राइटेरिया में, मतलब इंग्लिश टेस्ट जो चाहिए होता है उसमें। आईएलटीएस में आपको डिग्री चाहिए तो मिनिमम 6.5 बैंड चाहिए और हर मॉड्यूल में मिनिमम 6, और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 बैंड चाहिए और हर मॉड्यूल पे मिनिमम 5.5। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ वर्ल्ड रैंकिंग। मैं हमेशा बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस करता हूँ कि आपको अपने कॉलेज की वर्ल्ड रैंकिंग पता होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आप जिस कॉलेज में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करोगे, जहां से आप एक डिग्री लेके निकलोगे, डिप्लोमा लेके निकलोगे, वो कॉलेज वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करता है, कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी, उसका कॉम्पिटेंस कितना है। तो इसीलिए हम लोग इस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग ज्यादातर QS वर्ल्ड रैंकिंग को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके नंबर्स काफी एक्यूरेट होते हैं जब एक्चुअल वर्ल्ड कंपैरिजन भी देखो। तो दिस कॉलेज स्टैंड्स एट 1302, मतलब 1302, दैट इज अ प्रीटी डिसेंट नंबर। जितने अभी तक हमने सारे रिव्यू करे हैं उसमें ये नंबर उतना खराब नहीं, उतना अच्छा भी नहीं है, बट इट्स अ डिसेंट कॉलेज। और जब हम बात करते हैं रैंकिंग कैनेडा में, तो कैनेडा में इसकी रैंकिंग इज 77, दैट इज ऑल्सो अ प्रीटी डिसेंट नंबर। सेंटिनियल कॉलेज के 5 मेन कैंपसेस हैं, जिसका मेन और सबसे लार्जेस्ट कैंपेन है स्कारबोरो में, जिसका नाम है प्रोग्रेस। उसके अलावा डाउन्स व्यू, स्टोरी आर्ट, ऐसे और भी कई सारे कैंपसेस हैं ऑल थ्रू आउट द GTA। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट का, दैट इज इनटेक्स। तो इनटेक जो है सेंटिनियल का भी बाकी कॉलेजेस की तरह 3 मेन इनटेक है, समर, विंटर एंड फॉल। बट मैं हाईली रिकमेंड करता हूं किसी को भी समर इनटेक चूज मत करो। बहुत लोग एजेंट समझा देते हैं कि भैया जॉब ज्यादा मिलती है इस ड्यूरेशन में, जो भी है, बट आई डू नॉट अग्री टू दैट, बिकॉज समर में आधे से ज्यादा अच्छे कोर्सेज तो अवेलेबल ही नहीं होते, क्योंकि टीचर्स ऑफ होते हैं, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स भी काम नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, बिकॉज जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि भैया फॉल ले लो, यस मतलब विंटर इनटेक ले लो, क्योंकि सारे मेजर बड़े अच्छे कोर्सेज आर अवेलेबल ड्यूरिंग दोज पीरियड्स ओनली। अब हम लोग आते हैं कोर्सेज पे। कोर्सेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज वीडियोस, क्योंकि इनमें हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली आपके पास चॉइस कितना है और आप उनमें से कैसे चूज कर सकते हो कि फुल टाइम पार्ट टाइम कोर्सेज को-ऑप है कि नहीं है, मतलब हर चीज। ठीक है, क्योंकि आपका जो कोर्स होगा, आप जो कोर्स लेके जितना पैसा देके आप इधर आओगे, उसके बाद आपके कोर्स पे ही डिपेंड करेगा कि आपको जॉब कैसे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। जब हम लोग सेंटिनियल की बात करते हैं, सेंटिनियल के पास 564 फुल टाइम कोर्सेज हैं, 224 पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, जिसमें 184 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी इंक्लूडेड है। इनके पास काफी सारे कोऑप प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड मेनी मोर कोर्सेज हैं। तो आपने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी, इनका जो कोर्सेज है इनके बहुत डिफरेंट वैरायटीज में है, कि इंग्लिश भी है, इंजीनियरिंग भी है, जो भी आपको चाहिए आपको सब कुछ इस एक सेंटिनियल कॉलेज के अंदर मिल सकता है। इनका जैसे मैंने आपको बताया फुल टाइम पार्ट टाइम कोर्सेज का भी सीन है, तो फुल टाइम स्टूडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम एक हफ्ते में 15 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा टू बी क्वालिफाइंग एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, वरना आप इनके पार्ट टाइम स्टूडेंट वाले उस कैटेगरी में चले जाओगे। जब कोर्सेज की बात हो रही है, ऑब्वियसली उसके साथ में कोऑप की तो बात करूंगा, कि कोऑप मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो इस कॉलेज में मोर देन 260 प्रोग्राम्स ऑफर कोऑप, बट
इसका जो प्रॉब्लम ये है कि आपकी क्राइटेरिया थोड़ी बढ़ जाती है ये कोऑप के लिए एलिजिबल होने के लिए। जब इतनी सारी कोऑप्स होती हैं तो उसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट के बारे में, दैट इज कि सोचो ये लोग एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपको देते हैं जो आपको ग्रेजुएशन से पहले पूरी करनी है, तो वो लिस्ट आपको 80% से ज्यादा खत्म करनी पड़ेगी बिफोर द सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर। ये है इनकी फर्स्ट डिमांड। सेकेंड है एक सब्जेक्ट है इंग्लिश कॉम 170 और 172, जिसमें आपको मोर देन सी का ग्रेड लाना है और या तो इसके ऐसा कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपको सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर तक पूरा करना है। उसके बाद पॉइंट है कि जो आपका अक्यूमुलेटिव जीपीए है दैट शुड बी मोर देन 2.5। एंड द लास्ट थिंग इज आपको कोऑप अप्लाई करना है सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में थ्रू द करियर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंटिनियल कॉलेज। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरिया पूरे करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर अ कोऑप इन दिस कॉलेज। कोर्सेज की तो काफी बातें हो गई, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, दैट इज फीस। तो फीस भी बहुत जरूरी पार्ट होता है यार, कि आप कितना काम करके हो, कितना पैसा दे सकते हो, घर से कितना लेके आ रहे हो, और अगर बाय चांस फीस थोड़ी ज्यादा हुई तो घर से कितना अरेंज कर पाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में लेके आपको चूज करना है अपने लिए सही यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तो अगर हम बात करते हैं सेंटिनल कॉलेज की, तो सेंटिनल कॉलेज की फीस रेंजेस फ्रॉम $15,000 टू $22,000 पर इंटरनेशनल स्टूडेंट पर ईयर, या $3,000 टू $8,000 फॉर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स पर ईयर। अगेन ये सारे प्राइसेस पर ईयर है, ना कि पर सेमेस्टर ना ही पर कोर्स, तो वो ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग आते हैं स्कॉलरशिप्स एंड बर्सरीज पे। तो इनकी वेबसाइट पे लोग क्लेम करते हैं दे हैव मोर देन 100 स्कॉलरशिप्स एंड बर्सरीज जिसके टोटल अमाउंट $3 million है, जो कि काफी बड़ा फंड होता है। बट इसमें से आपको पर सेमेस्टर ज्यादा से ज्यादा $500 से $3,000 ही मिल सकता है, ये इनका मैक्सिमम अमाउंट है। आई वुड से दिस इज अ सेफ बेट कि इनका इतना बड़ा फंड है तो आपके काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं स्कॉलरशिप मिलने के। तो स्कॉलरशिप और फीस के हिसाब से तो ये कॉलेज इज अ डेफिनेट गुड चॉइस। अगर आपने मेरी पिछली कॉनेस्टोगा वाली वीडियो देखी है तो उस पर मैंने एक बहुत नई चीज की बात करी, दैट इज द हाउसिंग प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो सेंटिनियल भी एक हाउसिंग स्कीम प्रोवाइड करता है, जहां पे इनका एक वेबसाइट है सेंटिनियल प्लेस, जहां पे आप जाके एक घर अपार्टमेंट लीज कर सकते हो। एंड माइंड यू, ये जो भी अपार्टमेंट या जो भी होता है ये फुल्ली फर्निश्ड होता है, सब कुछ टॉप क्लास होता है, मतलब ये फ्रिज विज सब कुछ देते हैं, स्टाफ होता है, ऑन कॉल स्टाफ, प्रोफेशनल हेल्प वगैरह सब कुछ मिलता है। बट ये थोड़े महंगे भी होते हैं, जो ये सब अगर आपको बाहर 1,000 में मिलता है तो ये थोड़ा 1,200 का मिलेगा, बट आपको सब कुछ एकदम कॉलेज के पास मिलेगा। तो अब पॉइंट है, क्या हमें ये लेना चाहिए? तो ऑनेस्टली मैं बोलूं, ये सब मैं तो नहीं लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि यार ये थोड़ा सा अमीर लोगों के लिए ठीक है। जो लोग यहाँ पे आकर पैसा कमा रहे हैं अपनी मेहनत से, घर से मंगवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यार हार्ड एंड मनी है, उसको प्रोफेशनल हेल्प के पीछे वेस्ट करने का मेरे को तो कोई मतलब लगता नहीं है। तो इसीलिए आई प्रेफर रेंट खुद कर लो, कम भी लगते हैं पैसे, दोस्तों घर रह भी लोगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज क्लब। क्लब एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है कॉलेज का, क्योंकि वो आपको अपनी क्लासेस के अलावा भी लाइफ में कुछ और भी है वो बताते हैं। सेम विद सेंटिनियल। सेंटिनियल में जब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, क्लासेस में नहीं हो, तब आप इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स में जा सकते हो। यहाँ पे कोई एक या दो क्लब के ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे क्लब्स हैं, आप इनमें से चूज कर सकते हो। उसके अलावा इनके पास पीयर मेंटरशिप, ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ पे आप स्टूडेंट एक्सचेंज के बारे में बात कर सकते हो, इंटर्नशिप्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके LGBTQ कम्युनिटी के क्लब्स भी हैं, तो वहां भी जाके खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये कॉलेज बेसिकली बिलीव करता है कि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो आपको लाइफ में आगे हेल्प करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज पे। जैसे हमने कॉनेस्टोगा में बताया था, ये कॉलेज भी आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज देता है। इनके थोड़े डिफरेंट है, ये लोग वेबिनार्स देते हैं, ये लोग आपको ऑनलाइन ओरिएंटेशंस देते हैं, जो आपको बेटर इक्विप करता है यहाँ की लाइफ के लिए, यहाँ की कॉलेज लाइफ के लिए, और यहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है उसके लिए। और उसके अलावा सेंटिनियल कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, क्योंकि ये आपको करियर रेडी करता है, आपको रिसर्च प्रोग्राम्स में डालता है, आपको इंटर्नशिप में डालता है, ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में डालता है, जिससे आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आप शायद नॉर्मल कॉलेजेस में ना ले पाओ। इनका एरीज प्रोग्राम भी बहुत फेमस है, अगर आप उसके बारे में सर्च करो। तो ये सब कुछ मेरे हिसाब से सेंटिनियल को एक फुल ऑन पैकेज बनाते हैं। अब आते हैं इसकी वर्डिक्ट पे।
ऑनेस्टली बोलो तो मुझे कॉलेज के बारे में जब रिसर्च कर रहा था, मुझे काफी अच्छा लगा ये कॉलेज, इसके ओवरऑल एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे हैं, बट इसकी डिफिकल्टी पे आता है, दैट इज 8 out of 10। तो अगर आप पढ़ाई में थोड़े सीरियस हो या आपको पढ़ाई में ही आगे कुछ करना है तो ही आई वुड से स्टिक टू दिस कॉलेज, बिकॉज हाँ इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ है, सब कुछ है, बट पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट है। ऑल इन ऑल मैं डेफिनेटली सजेस्ट करता हूँ ये कॉलेज अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो। So that is the video, guys. I hope you guys like this video. If you did, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. 2000 subscriber pure karo, bahut tagda wala surprise aane wala hai. So see you then.